जनपद के जिला अस्पताल सहित विभिन्न केंद्रों पर 12,839 लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 8,563 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 4,276 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में एडिशनल सीएमओ ने कहा कि जन्माष्टमी के पर्व पर अवकाश होने के बावजूद लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर काफी उत्साह देखा गया है। इस संबंध में संक्रमण विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर घनश्याम श्रीवास्तव ने बताया कि विभाग की टीम अप्रैल से लोगों की सेवा में वैक्सीन लगाने का कार्य कर रही है, जिसमें जिला अस्पताल के अधिकारियों का भी सहयोग रहा है। उन्होंने बताया कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में है, जितने लोग आते हैं सभी को वैक्सीनेशन किया जाता है तथा कोशिश रहता है कि कोई भी वापस ना जाए। उन्होंने कहा कि 10 से 4 बजे तक वैक्सीनेशन किया जाता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संक्रमण विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर घनश्याम श्रीवास्तव और दूरभाष पर बात करते हुए एडिशनल सीएमओ डॉक्टर नीरज पांडे ने कहा, घनश्याम श्रीवास्तव सीएमओ ऑफिस। हम गोरखपुर नगरी में बाबा गोरखनाथ के आशीर्वाद से टीकाकरण का कार्य शुरू हुआ है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, गोरखपुर जनपद के कमिश्नर साहब, डीएम साहब, सीएमओ साहब, डीआईओ साहब और सभी लोगों का सराहनीय योगदान रहा है। शुरू शुरू में लोग लगवाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन तीन चार महीने से जनता सक्रिय हुई है और अब भारी संख्या में आकर के वैक्सीन ले रही है। हम माह अप्रैल से घनश्याम श्रीवास्तव संक्रामक में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर डाटा वेरीफाई का काम कर रहे हैं। पहले दिक्कतों का सामना आया, लेकिन सीएमओ साहब और सबके सहयोग से एनजीओ की टीम भी आई, जिसके उसका भी योगदान रहा, पुलिस की टीम और हमारे मीडिया भाइयों का भी ज़्यादा योगदान रहा कि हम लोगों को मौके मौके पर आगाह करते गए कि किस तरह से काम किया जाए। कभी वैक्सीन की कमी हुई? नहीं, वैक्सीन की कमी नहीं हुई, मैनेज कर लिया गया है। हाँ, कितने बजे तक टीका होता है? ये 10 से 4 बजे तक होता है। 4 बजे बंद हो जाता है? 4 बजे अगर संख्या जाती है तो हम लोग 5-5.30 बजे तक लगा के ही जाते हैं। डेली कितनी संख्या आती होगी? अब ज़्यादातर कभी 600 हो जाती है, कभी 900 हो जाती है। 900 मैक्सिमम 900 तक, हम 930 हुआ है। टीका कितना लग जाता है जी? वैक्सीन कितना लग जाता है? अब दिन के ऊपर है, जो जनसंख्या के ऊपर है, लेकिन ज़्यादातर 500 से नीचे नहीं लगता है, 500 से ऊपर ही लगता है। कुछ लोग वापस भी चले जाते हैं? नहीं नहीं, उनको लगा करके ही हमको भेजा जाता है। हम 6 बजे तक रुके रहते हैं अगर, लेकिन ये समस्या होती है कि उस वैक्सीन डोज में 10 वैक्सीन का जो है खुराक है उसमें 10 डोज रहता है। अगर 4-5 लोग रहते हैं तो वो नहीं खुल पाता है, इस वही उस पोजीशन में वही लोग वापस जा पाते हैं।
नहीं तो 10 का संख्या रहती है तो बिना लगाए हमारी टीम जाती नहीं है। आज कुल 45 जगहों पर कोविड टीकाकरण हुआ और आज हमने 12,800 लोगों को लगभग टीकाकृत किया है। मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा कि बूथों पर कतारबद्ध होकर अपना टीकाकरण करावें, अनावश्यक भीड़ न लगावें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने में ही शक्ति भलाई है और तभी कोविड बीमारी से बच सकते हैं।